बीपोर जॉय चक्रवात गुजरात के तटीय विस्तारों से गुजर चुका है, तब ये तस्वीरें द्वारका से सामने आ रही है। द्वारका में बीते कई दिनों से राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी मोर्चा संभाले हुए हैं। कल जब बिपरजॉय चक्रवात जब गुजरात के तटीय विस्तारों से टकराया, तब वो खुद भी विभिन्न जगहों पर द्वारका में जहां पर पेड़ गिरे या फिर बिजली के खंभे गिरे, वो खुद वहां पर मौजूद रहे थे। बिपरजॉय चक्रवात की असर जैसे जैसे गुजरात में कम हो रही है, वैसे वैसे गुजरात सरकार के सभी मंत्री और पूरी गुजरात की जनता राहत की सांस ले रही है। तब द्वारकाधीश मंदिर राज्य के गृह मंत्री पहुंचे थे और बिपरजॉय तूफान की असर कम होने के बाद गृह मंत्री हर्ष संघवी ने द्वारकाधीश मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन किए थे। ये पूरी आफत को आसानी से दूर करने के लिए द्वारकाधीश की शरण में राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी पहुंचे थे। साथ ही में नूतन ध्वज रोहण भी वहां पर किया गया। द्वारकाधीश मंदिर में नई ध्वजा वहां पर लगाई गई है। तब राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी के हाथों से जगत मंदिर में ये ध्वज रोहण किया गया है और साथ ही में हर्ष संघवी की ओर से विशेष पूजन अर्चन भी वहां पर किए गए। जबकि कल से एक बार फिर द्वारकाधीश मंदिर दर्शनार्थियों के लिए एक बार फिर से खोला जा रहा है। भगवान द्वारकाधीश आज सौ नगरजनों ने दर्शन आप्या। सांजे 5 वाग्या थी भगवान द्वारकाधीश मंदिरना द्वार खुला मुकवामां आव्या छे। 4 दिवस पछी आजे 5મા દિવસે नूतन ध्वजारोहणनो जे कोई विधि छे ए करवामां आवी अने वाजते गाजते भगवान द्वारकाधीश ना मंदिरनी ध्वजा फरी आजे रोहन करवामां आवी अने ध्वजा हवे फरी आखा देश ने अने विश्व ने सौ लोकोने सौ अहीं आवनार लोकोने दर्शन आपी सके ते प्रकारनी सिस्टम फरी चालू करी लेवामां आवी छे। कालथी राबेता मुजब 5-5 ध्वजारोहण चालू करवामां आवी छे अने बधी ज व्यवस्थाओ करी लेवामां आवी छे।